I speak in English, huh? Very strong by English. हाँ जी, भगवान से संबंधित पूछो प्रश्न, अपनों ना पूछो, बैठ जाओ। हाँ जी, हाँ लाला ले लो इसको माइक दो। जय हो बजरंगबली, ये तो यहाँ घूम रहे। जय श्री राम। जय हो बजरंगबली, जय हो, तनक देर में आइयो बजरंगबली। अब भाई दे हो का, अबे रुक जाओ, हमें पराये घर भी जाने महाराज। हाँ भगवान, जय सियाराम प्रभु, बोलो प्रभु। मेरी इतनी विनती है प्रभु, मेरे स्थान पे कचरा फेंक रहा है, मैंने बहुत दरखास्त करी है, मेरे स्थान पे कचरा फेंक रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे स्थान है ईसागढ़ में, बुंदेला बाबा का, हरदौल लाल कचरा है, उधर कचरा फेंक रहा है, घूरे पे कचरा फेंक रहा है। और क्या, मेरे बगल में स्थान है पुराना, 7 पीढ़ी पुराना। जो फेंक रहे हैं उन्हें ये सभ्यता बुद्धि नहीं है, नहीं है। उनको आप निवेदन करो। मैंने बहुत किया प्रभु, मगर वो सुनते उसके बहुत से उपाय हैं। एक गांधीवादी विचारधारा है कि वो जब वो कचरा का टोकरी लेकर आए तो तुम आरती फूलमाला की थाली लेकर खड़े हो जाओ। ठीक है गुरु, जय श्री राम। और एक बार नहीं, वो जैसे ही लेकर आए तो तिलक करना, आरती करना, 8-10 दिन ये तुम उपाय करके देखो। उनने प्लांट बना लिया उधर कचरे का। अब और हद और क्या, प्लांट बना लिया उनने कचरे का वहाँ। अब और हद हो गई। अब मैं क्या करूं? अब उसके लिए तो गांधीवादी वाली नहीं चल पानी है, नहीं चल पाएगी। उसके बाद ही तो वही बजरंगबली लंका वाली चल रहे। जय सियाराम। ओ किसी, हमारा तो इससे कोई नाता नहीं है, राजनीतिक संरक्षण सपोर्ट लीजिए, या फिर उनको कहिएगा कि प्रभात में मत कहना, तो अखंड ज्योति सरसों के तेल की जिनके स्थान पर कचरा हो रहा उनसे कहो। भाई हम अगर नहीं समझौता समाधान दे पा रहे तो हम आपको एक समाधान दे सकते हैं कि जिनके स्थान पर कचरा हो रहा, ज्योत जला दो, 5 लौंग रख दो, कि आप ही कोई ऐसी लीला करो कि बंद हो जाए। ठीक है फिर, जय सियाराम, धन्यवाद। ठीक है बहन, आप खड़ी हो जाओ, हाथ खड़ा किया, आप खड़ी हो जाओ। हाँ बहन, माँ आप बैठ जाओ, आप दोनों माँ बैठ जाओ। वो बच्ची खड़ी है, उनके पास माइक पहुँचा दिया जाए। 2 माइक चाहिए भगवान। ठंडी बहुत है वहाँ पर ना, जज्जी जी को कहेंगे वहाँ अलाव जल रहा है, 1-2 राउंड लगवाने पड़ेंगे, कोई यहाँ सुना हो क्या? हाँ हाँ जाओ ना, जाना। हेलो, हाँ बहन, चरण स्पर्श गुरु जी। क्या नाम है बहन? डॉक्टर रेणु मिश्रा। कहाँ से? मैं वैसे तो राजस्थान की रहने वाली हूँ, पर अभी गुना से आई हूँ। मेरे पापा भी डॉक्टर हैं और मैं भी जन सेवा में विश्वास रखती हूँ, इसलिए डॉक्टर बनी। कर नहीं पा रही वो एक अलग बात है। मेरा एक सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे कोई भी बता देता है हम पाठ पूजा करने लग जाते हैं, सब परेशान हैं इस संसार में, कोई भी कहीं से आता है कुछ भी पूजा बताता है हम करने लग जाते हैं, पर वो पूजा से हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिलते, मतलब उसका कुछ परिणाम नहीं मिलता, हम परेशान ही होते चले जाते हैं। समृद्धि रुक जाती है, घर में सुख शांति नहीं आती है, काल सर्प दोष बता देते हैं कुछ लोग। तो आप प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी परेशान हूँ, अपने परिवार के साथ यहाँ आई हूँ, तो आपसे निवेदन है कि मेरी समस्या का समाधान कीजिए। बहन आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है जी, तो निश्चित है आप इंटेलिजेंट हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पेट की पीड़ा अगर किसी को है, आप मेडिसिन पर भरोसा करती हैं जी? पेट की पीड़ा किसी को है और बिना जांच किए उसे सूजन की भी दवा दे दी जाए, छालों की भी दवा दे दी जाए, इन्फेक्शन की भी दवा दे दी जाए और कैंसर की भी दवा दे दी जाए और उसको पेन किलर भी दे दिया जाए, एंटीबायोटिक भी दे दी जाए, तो क्या उनका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। बस तो सबसे पहले तो हमें इस जड़ तक जाना है कि हमारी समस्या क्या है। आप आपने कहा कि कोई भी आता जो पूजा बताता हम कर लेते हैं, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। हमारा एक मंतव्य है, निजी विचार, किसी पर थोपते नहीं है, कि अगर करंट है तो लाइट जलेगी, स्विच ऑन लाइट चालू। उसी प्रकार अगर उपाय सटीक है, गुरु के मंत्र में ताकत है, उस गुरु में या उस स्थान में या उस इष्ट में ताकत है, तो आप सरेंडर, सरेंडर मीन्स शरणागत, आप सरेंडर हुए, शरणागत हुए, श्रद्धा निष्ठा एकदम परिपक्व रखी तो लाइट जलेगी। अब घाटा कहां व्यक्ति खाता है कि कई बार जो गुरु उपाय बताते हैं या जो इष्ट के प्रति नतमस्तक करवाते हैं तो वो तो ठीक होते हैं, कई बार वायर ही डिस्टर्ब होता है, उसमें कार्बन होता है, कई बार वायर उल्टे लगे रहते हैं, कई बार स्विच ऑन ही नहीं व्यक्ति करता, कई बार बल्ब भी फ्यूज रहता है और व्यक्ति चाहता है लाइट जल जाए। इसका आप आशय समझ पाओ ना समझ पाओ फिर समझाते हैं। कई बार व्यक्ति का श्रद्धा कमजोर होती है, विश्वास मजबूत होता है, कई बार बंद दिमाग में रहता है, कई बार कोई और गुरु तब तक एंट्री कर रहा होता है, कई बार कोई और उपाय बहुत पावरफुल लग रहा होता है। इसका मतलब पहले आप वायर ठीक कीजिए, स्विच ठीक कीजिए, इसके बाद आप बल्ब फ्यूज तो नहीं है ये चेक करिए, फिर उपाय करिए, लाइट जलेगी। तो हम फिर कहेंगे कि कोई भी एक उपाय करिए पर सोच समझ कर करिए, हवा के बहाव में, आंधी तूफान के चक्कर में बिल्कुल मत आइए। हमसे जो पहली बार कोई जुड़ता है तो हमसे कहता है गुरुजी दीक्षा लेनी है, आपका चेला बनना है, आपका हमें नजदीक रहना है। हम उसको कहते हैं पहले तू 1 ईयर चेक कर, तू हमारे लायक है या हम तुम्हारे लायक हैं, पहले चेक कर लो, तुम्हें फिर लगे 1 साल बाद कि हाँ इससे हमारी पटरी खा जाएगी गुरुजी से, तो फिर शरणागति। यही हम आपसे कहेंगे और वो हर दरबार में बोलते हैं, दोबारा फिर बहन बोलते हैं, एक गुरु एक इष्ट, इसके अलावा कोई टोटका की आवश्यकता नहीं है, जय जय हो जाएगी।